गया। आगे सब लोग, सब रख लिया ना है? ताई, सेल्फी टाइम। एक सेल्फी लेते हैं। अरे चलो 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 चलो। आजा आजा आजा। ठीक है, अच्छे से ले। मैं सुन, नहीं स्मार्ट, देख स्मार्ट दिख रहा हूँ। होता किसका है? तू ही सबसे अच्छा लग रहा है। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। ले बेटा मेरी तरफ से। आओ सासू भाई कशाला। ले। आई मुझे भी तो आशीर्वाद दीजिए। मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगी। का? मैं तुझे सिर्फ रप्पी दूंगी। जल्दी जल्दी आना है, आज ही हम लोग लेट हो जाएंगे। हाँ मैं आप लोगों को छोड़ के आता हूँ। चल चल मैं भी आती हूँ। चलो चलो चलो। हाँ सर। अमृता तुम जहाँ भी हो जैसे भी हो फौरन तैयार हो जाओ। कल्याणी को लेबर पेन शुरू हो गया है, इसीलिए विराट आहूजा का साइन लेने तुमको ही जाना होगा। मैं बैंक से आई हूँ, बैंक का कुछ काम है, सिग्नेचर लेने। ये मेरा कार्ड। फूलों का नहीं, नोटों का हार पसंद है। सैलरी काफी नहीं होती ना तुम्हारे लिए, इसलिए रिश्वत ली और वो वीडियो लीक किया जिसमें तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हारे और मेरे बीच का हिसाब कभी बराबर हो ही नहीं सकता। बस अब विराट सिंह आहूजा का चैप्टर खत्म। अब एक नई जॉब, एक नया शहर, एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। अब मुझे आगे बढ़ के अपने करियर पे फोकस करना है। इस बैंक या इस बैंक के किसी भी क्लाइंट के बारे में कभी नहीं सोचना। 10 करोड़ रुपए किसने निकाले अकाउंट से? आपने ही तो अपनी बैंकर को भेजा था, अमृता चिटनीस को। अरे आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विराट उस लड़की ने पैसे चुराए हैं, वो भी पूरे के पूरे 10 करोड़। ये चोरी नहीं डकैती है, डकैती। छोड़ा नहीं उसे। पिटारी शोर, तूने उसे पैसे विड्रॉ करने के लिए नहीं कहे थे? ऑफ कोर्स डैड, आई एम श्योर। मैं इतना बड़ा अमाउंट विड्रॉ करने के लिए क्यों कहूंगा? और अगर मैंने कहा भी होता तो याद रहता ना मुझे डैड। छोटा अमाउंट थोड़ा, इट्स 10 करोड़। यही तो प्लान किया था कि पैसे मैं चुराऊं, मगर चोर कहलाए वो अमृता चिटनेस। अब मैनेजर मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये अगर हमारे अकाउंट से पैसे कटे हैं तो मुझे कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? कोई मैसेज, कॉल, मेल कुछ भी नहीं आया आप लोगों की तरफ से? आया था मेरे भाई, मगर मैंने ही उसे तुम्हारे हाथ नहीं आने दिया। तुम्हारे उसे पढ़ने से पहले ही वो मैसेज मिटा दिया था मैंने। सर हमने आपके मोबाइल पे मैसेज भेजा था, लेकिन कभी कभी सर्वर का इशू होता है तो हो सकता है आपको मैसेज ना मिला हो, पर हमारे रिकॉर्ड में सब है। पैसे अमृता चिटनीस ने ही निकाले हैं। आप प्लीज मेरी बात सुनिए, आप एक बार मेरी अकाउंट डिटेल्स फिर से चेक कीजिए, जरूर कोई गड़बड़ हुई होगी। इट मस्ट बी सम मिस्टेक। सर मैंने 2 बार चेक किए, हमारे पास आपका साइन किया हुआ चेक है और रिकॉर्ड बुक्स में अमृता चिटनीस का ही नाम लिखा है। मेरा साइन है बेटा, पर्सनल बैंकर होने के नाते
क्या उसके पास अथॉरिटी थी इतना बड़ा अमाउंट विड्रॉ करने की? विराट, तेरा साइन किया हुआ चेक उसके पास कहां से आया? और तूने इसे ब्लैंक चेक्स देकर रखे थे? गॉड नो, मैंने कोई ब्लैंक चेक्स देकर नहीं रखे। एक सेकंड मैनेजर, एक बार ये चेक करके बताओ कौन सी ब्रांच से पैसे विड्रॉ हुए। सर, भाईंदर ब्रांच। भाईंदर? व्हाट? भाईंदर ब्रांच इतना दूर? वो इतना दूर क्यों गई होगी निमी? ऑब्वियसली ना, इस ब्रांच में तो भाई को सब जानते हैं, इसीलिए उसने इतनी दूर वाली ब्रांच चुनी जिसमें भाई को कोई नहीं जानता। इस लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कुछ और सीखा हो या ना हो, 420 तो जरूर सीखी है इसने अच्छे से। इट्स सैड ना भाई, आप हर गलत बात के लिए हमेशा राजीव को ही दोषी मानते रहे, लेकिन असली दोषी कौन निकला? वो अमृता, जिस पर आपने आंख बंद कर भरोसा किया था। और डैड, आप भी कम नहीं है, इतना बेटा जी करके आपने मुझे नहीं बुलाया जितना उस अमृता को बुलाते थे। और क्या किया उसने? हम सबको धोखा दिया। आपकी फैमिली को लगता है कि वो वीडियो मैंने खुद लीक की। मेरी आई की कसम सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसी लड़की हूं नहीं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। I'm sorry, सर। बेटियां पैर नहीं छूती बेटे, उनकी जगह पैरों में नहीं दिल में होती। शेखी, विराट बैंक वाले के पास सच में इतना साइन किया हुआ चेक है। उन्होंने मुझे फोटो भेजी है, वो लोग सही बोल रहे हैं यार। इतनी गिरी हुई हरकत तो नहीं करोगी तुम, इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ बैंकर। यहाँ झूठा लुटेरा 420 एक ही इंसान है, वो लड़की अमृता भवानी चिटनिस। विराट, पुलिस को बुला, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, वो बैंकर ये सब तक गिर सकती है, वो ऐसा कैसे कर सकती? नहीं कर सकती, बगैर वजह नहीं करेगी, जरूर कोई वजह होगी। बेटा, उसको बुलाकर हमें बात करनी चाहिए। पापा, कैसे बात करेंगे? अब तक तो वो शहर छोड़ के भाग रही होगी। वो ना बहुत चालाक है, उसने बहुत सोच समझ के ये सब किया है, इसलिए तो कल आई थी वो यहाँ पे बात करने के लिए। हमारे बीच में रह के, हमारे सामने रह के उसने ये सब किया है, अभी फायदा नहीं है, अभी तो शहर छोड़ के चली गई। वो जा रही है जॉब करने के लिए दिल्ली, भाग के नहीं जा रही है कहीं। Shut up, शेखी। जॉब सिर्फ एक बहाना है, एक्चुअली में उसे हमारे पैसे लेके शहर छोड़ना था। 100% यही बात है। अरे उसके घर में खाने वाले कितने लोग हैं, और वो अकेली कमाने वाली, क्या करेगी वो? उसके बाप ने भी तो हाथ खड़े कर दिए, तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे तो करेगी, कभी हमें लूटेगी, कभी किसी और को। विराट, ये चोरी है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। अगर आप मुझे मेरी जॉब नहीं दिलवाएंगे वापस, तो मैं सबको बता दूंगी मेरे बच्चे के बारे में। क्यों कर रहे हो ऐसा बीवी से? पैसों के लिए। ये तुम्हारे और मेरे बीच की जंग की शुरुआत है अमृता। जो करना है कीजिए, लेकिन याद रखिए इस बार मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। बेटा, किसी को चोर मानकर उसे कटघरे में खड़े करने से पहले एक बार उसे अपनी सफाई देने का मौका तो दो ना। डैड, सीरियसली, आपने सुन लिया ना उस मैनेजर के मुंह से खुद? आपके खून पसीने की कमाई है डैड, ये जो कुछ भी मुझे मिला है आपसे मिला है। मैं इसकी रखवाली नहीं करूंगा, हिफाजत नहीं करूंगा, तो और कौन करेगा डैड? डैड, मॉम ठीक करिए, आप पुलिस को कॉल कीजिए प्लीज। डैड, पुलिस को कॉल कीजिए पुलिस को। मेरे लिए मेरे परिवार से ऊपर कुछ भी नहीं है डैड, कुछ भी नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ आंटी, फैमिली वैल्यूज से बढ़कर कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही है तू, मैंने भी अपने बच्चों को यही सिखाया। टैक्सी आती होगी तो आई, चल नीचे चलते हैं। हाँ, बस हो गया, सब चेक कर ले लिया? हाँ, चेक किया हमने। क्या कमाल की किस्मत है ना हमारी ताई, गलत बाबा करते हैं और दर दर की ठोकरें हम लोग खाते फिर रहे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ऑनेस्ट होना अच्छी चीज है। क्या बोल रहे है? ईमानदारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझा? काम में भी और रिश्तों में भी। बिल्कुल आंटी,
और ये बात ना सबसे ज्यादा मैंने आई से सीखी। तूने आई को देखा है? वो कैसे हर रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाती है, भले ही सामने वाला कैसा भी। सामने वाले को देखकर खुद को नहीं बदलती हूँ। और मैं बता रही हूँ हर्षा, ईमानदार लोगों के साथ ना कभी गलत नहीं होता। सही कहा ताई। ताई मैं ना तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ, अभी लाया। ये मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। तू जब वहाँ अकेली रहेगी ना तो बप्पा तेरा ख्याल रखेंगे। हथकड़ियां पहनाई इनके हाथों में। क्या बात है? बस तीन लोग? गैंग लीडर का है? अमृता भवानी चिटनेस, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? किस जुर्म में? चोरी के। आईपी सेक्शन 378 के तहत 3 साल की सजा मिलेगी इनको। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। किस जुर्म में पूछ रही है ना? आपकी लाडली अमृता चिटनेस ने मेरे बैंक अकाउंट से 10 करोड़ रुपए चुराए। बस कर रहे हैं आप सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने इनकी जॉब छोड़ी है तो इनका ईगो हर्ट हो गया, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये सब झूठ बोल रहे हैं। 10 करोड़ क्या, इनके 10 रुपए नहीं चुराए मैंने, ये क्या एफआईआर करेंगे इनके अगेंस्ट? मैं मानहानि का केस कर सकती हूँ। मिस्टर विराट, ये क्या कह रही हैं? बकवास, सुन लीजिए। वैसे भी थोड़ी देर में बोलती बंदी हो जाएगी इसकी। उस चेक का स्कैन कॉपी है जो तुमने बैंक में डिपॉजिट किया, रजिस्टर की कॉपी जिसपे तुम्हारा नाम और सिग्नेचर है, और ये तुम्हारा आय कार्ड जो तुमने बैंक में दिया था, कुछ याद आया? क्या हुआ, बंद हो गई बोलती? ये आईडी सिग्नेचर आप ही के हैं, हमने ऑलरेडी वेरीफाई किया। हाँ सर, ये आईडी सिग्नेचर्स मेरे हैं, लेकिन ये मैंने वो सर आप एड्रेस देखिए ना, ये एड्रेस भयंदर ब्रांच का है और मेरे बैंक का ब्रांच दादर में, मैं इतनी दूर क्यों जाऊंगी सर? ताकि किसी को शक ना हो। ऑब्वियसली मैनिपुलेट तुम उनको कर सकती हो, मुझे नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये दादर वाले ब्रांच में जाती तो पकड़ी जाती, जानती है कि वहाँ के लोग इसको और मुझे दोनों को जानते हैं, वो लोग इमिडिएटली मुझे बता देते हैं, इसलिए वहां गई। ये झूठ बोल रहे हैं सर, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं काम करती थी इनके लिए, तो मेरी आईडी का कॉपी इनके पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स और ब्लैंक चेक तुम्हारे पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों कर रहे हैं आप ये? मुझे फंसाने के लिए, अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए। तुमने चोरी की है अमृता चिटनेस, बिना मेरी नॉलेज के तुमने मेरे बैंक अकाउंट से 10 करोड़ रुपए निकाले, उसको चोरी ही कहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए सर। हथकड़ी लगाओ इन्हें। मैं मैडम, क्या करिए आप? सर मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बात सुनिए सर, मुझे फंसाया जा रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर, मेरी ताई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। सर, इसके पास 10 करोड़ होते तो वो नौकरी करने दिल्ली क्यों जाती? ताकि किसी को शक ना हो। इंस्पेक्टर साहब, अगर यहाँ पे रहती तो हम अहूजाज और आप पुलिस वाले इसको छोड़ते ना, इसलिए भाग गई है ना? झूठ है ये, क्या कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं ये? मुझे नीचा दिखाने के लिए आप इतना गिर जाएंगे? आपको लगता है ये सब करके आप मुझसे माफी मंगवा सकते हैं? मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगी, और किस लिए? देखिए सर, मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है, अमृता ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत ईमानदार है, वो चोरी नहीं कर सकती। लेकिन सबूत तो कुछ और बता रहे हैं, एफआईआर तो होगी और कोर्ट में पेशी भी। आपको वकील की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चोरी आहूजा के यहाँ हुई है और ये कोई छोटा मैटर नहीं है। सर, कोई मैटर है ही नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की मैडम। ये सारी बातें पुलिस स्टेशन जाके करना, अभी चलिए लेके चलो। मैं वही तो कह रही हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ भी नहीं किया। प्लीज मैम।
अमो क्या हुआ जयेश के बारे में सोचती है ना तू? तुझे कितनी बार बोला है मैंने उसके बारे में सोचना बंद कर। एक नंबर का नालायक आदमी है। मेरा बेटा हो गया तो सुनने दो उनको। मेरा बेटा हो गया तो क्या हुआ? उसको किसी की कुछ पड़ी नहीं है। एक तू है जो पूरा टेंशन सर में लेके खुद को शुगर की बीमारी लगा दी। तेरी जगह मैं होती ना तो जयेश और उसकी चिपकली दोनों को इतना सताती, दोनों को बीमार कर देती मैं। हाँ तुला माहिती आईशी शपथ सांगते। एक काम कर, चिंता बिंता छोड़ दे, ठंडे दिमाग से काम ले, सब अच्छा हो जाए। सासु भाई चलिए ना, हम एक वीडियो बना के अमू को भेजते, चल उसे अच्छा लगेगा। अमू तू पहुंच गई ना हवाई अड्डे, संभाल के जाना बेटा। हैप्पी गौरनी। ए हैप्पी गौरनी नहीं, हैप्पी जर्नी मन। हैप्पी जर्नी। हाँ और बोल, हैव अ नाइस फ्लाइट। बापरे, हैव अ नाइस फ्लाइट, हैव अ नाइस फ्लाइट। शाबाश, सुना कैसे बोली मस्त। मैम हमारी बात सुनिए। आप थोड़ा टाइम दे दीजिए। सर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर, मेरी बात सुनिए सर। मैं थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम साबित कर देंगे ताई बेगुनाह। मैम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे, इसलिए साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। प्लीज मैम आप प्लीज मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने किसी पर्सनल वजह से किया, रिजाइन किया, इसलिए ये सब हो रहा है। आप चाहे तो मेरे बैंक में फोन करके पूछ सकते हैं, आप बिल्डिंग वालों से पूछ सकती हैं। मैम इनको पता है हमारा झगड़ा है, प्लीज मैम मेरी बात मानिए। देखिए मैडम, कानून सबूत पे चलता है और इस वक्त सारे सबूत आपके खिलाफ है, तो आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। अम्मू तू जेल? बाबा के लोग मुझे चोरी के इल्जाम में पकड़ के ले जा रहे हैं, आप जानते ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, प्लीज। चोरी का इल्जाम? इंस्पेक्टर क्या किया इसने? ओ गॉड, कहीं जयेश इसका हाल देख के पिघल ना जाए। मैं बताता हूं, आपकी बेटी ने बिना मेरी परमिशन के मेरे अकाउंट से 10 करोड़ रुपए लिए। 10 करोड़? जी हाँ, चेक पे मेरे फेक साइन लेके अपने आईडी से इन्होंने पैसे निकाले हैं, और पुलिस के पास सारे प्रूफ्स भी हैं, और कुछ देर में सीसीटीवी कैमरा का फुटेज आएगा तो इसे सब साबित हो जाएगा कि पैसों की हेरा फेरी इसी ने की है। जो क्राइम इसने किया है ना मिस्टर चिटनेस, वो एक नॉन मेलेबल ऑफेंस है, तो अपनी बेटी को डिफेंड करने से पहले एक बार सोच जरूर लीजिएगा। मैंने कुछ नहीं किया बाबा, आप जानते हैं ना चोरी करना तो दूर, मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं बाबा ये लोग, भरोसा कीजिए मेरी बात पे, प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए बाबा। एक टाइम पे मुझे भी था, या एक टाइम पे मुझे भी आपकी बेटी पे पूरा भरोसा था, कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा घटिया काम करेगी। बट तोड़ दिया ना इसने, मेरा भरोसा तोड़ दिया, शी बिट्रेड मी, धोखा दिया आपकी बेटी ने मुझे। सबूत था उनके पास। अम्मू बाबा झूठ बोल रहे हैं, बाबा झूठ बोल रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं बाबा। सबूत झूठे हैं बाबा, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप समझने की कोशिश कीजिए ना बाबा, मैं क्यों करूंगी, प्लीज समझिए ना। क्यों समझे? तुमने समझा जब तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास बात करने की कोशिश कर रहे थे, तब तुमने इतने घटिया, इतने अनाप शनाप इल्जाम लगाए उनपे। रब इतना बड़ा कांड करने के बाद, ये घटिया हरकत करने के बाद, तुम चाहती हो कि ये तुम पे भरोसा करे, तुम्हें समझे, ताकि तुम्हारे साथ साथ इनकी भी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बाबा, आप उसकी बात मत सुनिए।
मैंने कोई 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 नकली साइन नहीं किया, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए बाबा, प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए बाबा। बाबा साइन कुछ नहीं किया। कैसे यकीन करूं मैं और क्यों यकीन करूं? जो मुझे जरूरत थी तेरे यकीन की, तूने मुझ पर यकीन नहीं किया था मामा।